ठीक, कैसे हो? वालेकुम सलाम। सारी चीजें ले आई हूँ मुकद्दस। सब कह रहे थे चलो जी, मेरा मेकअप जो है कंप्लीट हो गया। मेरा हो जाना था दूसरा मस्कारा। अभी आपको मेकअप जो है वो ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, 5 से 6 की रेंज में। अला का फर्स्ट डे का ड्रेस है शायद, ताकि माँ पे के खुदा ना आए, किचन में ना आए, बार बार ये सारी लुक दिखा देती हूँ। ये इसका ब्लू ट्राउजर शर्ट है पे। और मुकद्दस बस कर दो, आ जाओ। सुबह सुबह हस्बैंड की तरफ से बड़े सख्त ऑर्डर्स होते हैं कि ना ज्यादा भी ना मेकअप हो, लेकिन ना तैयार हो। सुबह सुबह ईद के जो कपड़े हैं नए पहन के ना रेडी हो जाए बच्चे, और मेरे तो वैसे फिट ही कोई नहीं। अच्छा, हम जो मेकअप ईद वाले दिन हम दोनों या हम सब पहले ही करते हैं ना, मैं आपको बताऊँ तो वो हम जल्दी में कर रहे हैं। हम कोई चैलेंज है, मैं देखती हूँ कि मुकद्दस वो जल्दी करेगी या मैं करूँगी। हम मेकअप की जो ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो ओटो की यूज कर रही हूँ, और मेरे ड्रेसिंग टेबल पर भी यही होती है, क्योंकि ये 3-4 प्रोडक्ट्स जो है ना ये आप रख लेते हैं। जिस तरह का सिर्फ ये वाला पैलेट है ना, इसमें कंटोरिंग, आई शेड्स और साथ ही जनाब आपको ब्लश और सारा कुछ ये एक पैलेट में मिल जाता है। ये हाइलाइटर तक कंटोरिंग आपको ब्लश और सारा कुछ एक पैलेट में मिल जाता है। अच्छा, साथ इनके हाइलाइटर पर हम सारी साथ साथ बताते जाते हैं। चलो मुकद्दस स्टार्ट करते हैं कि पहले कौन मेकअप करेगा। ठीक है, डन, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 चलो चलो स्टार्ट। मैं प्राइमर लगा रही हूँ, ठीक है, और दोनों का चलो। मैंने घर से आकर सनब्लॉक लगाया हुआ था, सो आई डोंट थिंक आई नीड अ प्राइमर। अब बिल्कुल मैं उस स्पीड से मेकअप कर रही हूँ जिससे मैं घर में कर रही हूँ। कोई किसी चीज़ की नहीं, उसी का फाउंडेशन बस। अब हम डायरेक्ट जो है ना वो मोबाइल का जो स्क्रीन, मैं कह रही थी को मिरर, फिर जब मैं ना मिरर लेकर आती हूँ कहते स्वास ही यार तो मिरर ही ले आओ, हम लोग मोबाइल की स्क्रीन से मैं पॉज कर रही हूँ यहाँ से। चलो जी, हमने मिरर्स ले लिए, ठीक है, अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। थोड़ी सी फाउंडेशन जो है वो लेके ना उन्हीं को बस डाल सकता है, जहाँ जहाँ पे मेरे हैं ना, सिर्फ मैं उसी फाउंडेशन को लगाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कोई कंसीलर वगैरह अप्लाई करूँ। मैं फोकस करती हूँ कंसीलर पर, क्योंकि मुझे लगता है कि कंसीलर बनाई इस काम के लिए। हाँ जी, टाइम तो होता है सुबह सवेरे, मामा ने किचन चो खपड़ा होता है, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਲਰ ਤੇ ਕੰਸੀਲਰ ਦੀ ਯਾਦ ਲਾਇਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਲਾਇਆ। ਅਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਕੁਝ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਸ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਵੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਈਲਿਡ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਬਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ। अब ये फाउंडेशन हो गई। अच्छा, मेरी क्योंकि स्किन ऑलरेडी काफ़ी माशाल्लाह से ड्राई है, मुझे किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ती इसको सेट करने के लिए, बहुत कम मैं पाउडर यूज़ करती हूँ। तो क्या करती हूँ मैं समर में, इसी के ऊपर मैं डायरेक्ट जो है वो ब्लश ऑन अप्लाई कर देती हूँ। सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, बहुत क्यूट है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा, इसमें थोड़ा सा शिमर भी है, क्योंकि तो ये बिल्कुल आपको ना हाइलाइटिंग कभी देता है, नोज के एरिया को भी साथ ही मैं कर लेती हूँ, बिल्कुल रोजी ग्लो है इसका। वो करती हूँ और अपने आई शेड में हमेशा फिंगर के साथ ही अप्लाई करती हूँ, ये डार्क ब्राउन जो शेड है ना बस। ये आप देख लें डिफरेंस दोनों आईज में, यहाँ पे उठे जो है थोड़ा सा पीची, जो ये हाइलाइटिंग वाला शेड है ना, ये मैं अंदर से लेके ना इसके ऊपर बस हल्का सा टच जो है दे दूंगी। ये देखिए हल्का सा शाइन आने का स्टार्ट हो रही है इसकी, जो कि बस नजदीक से ऐसे अच्छी लगती है। अच्छा, मेरी आई ब्रोज माशाल्लाह से पहले बहुत ठीक है, बहुत कम इनको किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, बट हल्का सा ब्राउन शेड जो है ना मैं अपने ये वाला जो है ना एरिया इसको बस फिल करती हूँ, और वो भी आई शेड लेके, बस जो भी डार्क पैलेट के अंदर आई शेड होना उसको लेके, और बस यहाँ से कॉर्नर इससे ज्यादा नहीं। और अभी मेरी आई ब्रोज जाना वो बनाने वाली है, सो एक्सक्यूज कॉर्नर शदीद किस्म की बनाने कभी नहीं।
मेरी क्योंकि टिप ऑलरेडी माशाल्लाह से थोड़ी सी ऊंची है, तो वैसे बैक का जो एरिया ना वहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाती हूँ। चीक्स मेरी माशाल्लाह वैसे ही काफ़ी उठी हुई हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझ में मत लगाया करें, नहीं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ना हो जैसे तेल, हाँ पसीना आया हुआ बहुत ज़्यादा ही है। और मेरी आदत है कि मैं आइस का मेकअप कम्प्लीट करने से पहले ना लिपस्टिक लगा लेती हूँ, पता नहीं क्यों, इससे क्या होता है कि मुझे ना थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मुझे वाकई आइस के ऊपर कहीं जाते हुए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तब लगाऊँ, नहीं तो नहीं। अच्छा एक तो और हो कि ये वाली लिपस्टिक्स हैं, अगर आप लिपस्टिक्स लगाते हैं ना तो ये वाली वेलवेट शेपिंग लिपस्टिक है। अच्छा इसका शेप इस कदर हसीन है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा कि आपको क्यों कैमरे के ऊपर ये ऑरेंजिस सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ना बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, अल्लाह करे कि ये ओरिजिनल कलर जो है ये भी नहीं आ रहा आपको नज़र। अच्छा मैं अभी दो तीन कलर्स मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा समझ में, अगर आपको ये मसला ना कि आपका लिप कलर वाइट हो जाता है तो उसके लिए ये जो इनकी मैट लिपस्टिक्स है ना, इसमें मैंने बल्कि आपको दिखाया मेरे ये 3 शेड्स हैं, इसमें अभी जो 03 है वो थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ, ये और एक ये जो 12 शेड है ना रेड सा, ये थोड़ा सा यूज कर रही हूँ इसके अंदर, लेकिन फिर अगर मैंने मिक्स किया तो ये फिर जो है वो ऑरेंज शेड ना बन जाए। ये लिप ग्लॉस लगाते हैं उसके ऊपर, ये थोड़ा सा मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया। अगर आपको ये मसला है कि बच्चे आ रहे हैं बहुत ज्यादा आपके घर में जिन्होंने के भाई प्यार करना होता है आपने, तो आप मत करें, थोड़े से मैं लशन ज्यादा रखती हूँ। अब इतना मेकअप करने के बाद जब ना मैं आईज पे आती हूँ, लैशेज को कर्ल मैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। आप तो उसमें मैं करीब से मैं करीब से मुझे लैशेज को कर्ल करना बहुत पसंद है। मैं लैशेज को कर्ल करके ना मस्कारा वैसे ईद की सुबह को मैं बिल्कुल नहीं लगाती, सिर्फ मैं लैशेज को कर्ल कर लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मस्कारा लग जाता तो आपका आधा मेकअप हो जाता है, क्योंकि वो बहुत नजर आता है। मेरी लैशेज थोड़ी लंबी है लैशेज को मैं बस कर्ल कर लेती हूँ और मस्कारा सुबह के टाइम नहीं लगाती, बट कहीं भी जाते हुए लगाती हूँ, ठीक है। तो अभी जो O2O का ही वाला मस्कारा है ना, और O2O की पाकिस्तान से ओरिजिनल और कम कीमत में आपको ये प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। ये आपकी लैशेज को बहुत लॉन्गर ठीक करता है, बहुत ही ज्यादा। दूसरा अप्लाई करना भी बहुत आसान है। कोई और मस्कारा है? बस ये चल जी, मेरा मेकअप जो है कंप्लीट हो गया, मेरा हो जाना था दूसरा मस्कारा, हम दोनों का सब मस्कारा रहते हैं सेट। नहीं मेरा मस्कारा भी लग गया। कदस का ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत मैक्सी है। अच्छा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, अगर बच्चियाँ इस तरह के पहन लें, क्योंकि अभी उतनी गर्मी भी नहीं हुई है, ठीक है। ये है कि एक दफ़ा ईद का ड्रेस भी बन जाएगा और बाद में किसी फंक्शन वगैरह पे भी आप लोग आराम से पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा। मुकदस वैसे याद है ये कितने का था? 5 से 6 की रेंज में। और मेकअप जो है वो हमने भी आपको चैलेंज में करके हम बल्कि आपके सामने कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट्स में ये आप मेकअप खुद कर सकती हैं, सब बच्चियाँ टीनेजर्स जितनी हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बैग कहाँ से लिए? स्टाइलो से बैग ले लिया। ये खाला का फर्स्ट डे का ड्रेस है, शायद यही होगा फर्स्ट डे के लिए। क्योंकि मुझे लेकिन मैंने पहले नहीं लिया, और बाकी जो मैंने ईद की शॉपिंग की है ना, वैसे होती है ना कि मैंने ईद वाले दिन कोई काम ना करना, ये वो ऐसे कपड़े पहन लेते हैं ये, ताकि माँ पे के खुदा ना आए किचन में ना आए बार बनी है किसी काम को हाथ ना लाए। बहुत अच्छी ट्रिक है, नोट हाँ जी, सबसे फर्क वाला ड्रेस पहन के बैठे। हाँ अच्छा ये है जनाब हमारे सेकेंड डे के ड्रेस, हो सकता है फर्स्ट डे पहने, मुझे तो जो भी मिला सुबह जल्दी जल्दी पहनूंगी, बल्कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको पीछे होकर इसकी सारी लुक दिखा देती हूँ। ये इसका ब्लू ट्राउजर शर्ट है पे, और बिन सही किए हैं मैंने, बल्कि आपके साथ शेयर किए थे ऑलरेडी, मैंने भी नहीं मैंने ऑर्डर करके 400 में मंगवाए थे, ठीक। और तुम्हारा कौन सा खत है? मेरा जे डॉट, हाँ जे डॉट से मैं थी बाकी में मेहमान जी, ये भी है साथ में क्यूटी शर्ट है। बड़ा मैंने जूलरी आपको दिखा दी है, बस उसमें जो हाथ लगाए थे सुबह पहन लिया।
और अल्लाह करेगी ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा खुशियां लाए और कोरोना जैसा जो मसला है वो बस अब दुनिया से बस चला जाए, खत्म हो जाए किसी तरह। अल्लाह ताला ने ये कहते हैं ना खुदा पाक ही इंसान को आजमाइश में डालता है और अल्लाह ताला ही उसका हल निकालते हैं, बस ये खत्म हो जाए। हमारे लिए ये महीना काफी मुबारक रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने नए घर में जो है इसी मुबारक माह में शिफ्ट हुए हैं। आप देख रहे होंगे, चलो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी असल में स्टोरीज, और वो इसलिए भी शेयर की कि मैं थोड़ी सी बिजी थी कामों में और अब कुछ काफी मतलब कह सकते हैं 50% जो है वो ओके काम, और बस मिस कर रहे हैं नासिर की अम्मी को। वो कुछ दिन पहले जो वफात पा गई थी, अल्लाह उनको जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद करे। अब हम उनको मिस कर रहे हैं कि आज वो होती तो इस घर को हम उनको दिखाते, आती है उस घर में। तो उनके बगैर ही पहला रमजान गुजरा है माशाल्लाह, लास्ट ईयर उन्होंने सारे रोजे रखे थे, बहुत इबादत गुजार थी। बस उनको मिस करते हैं ना सिर्फ मैं, उनको काफी याद करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करके चेक आओ, और मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।